हाँ स्टूडेंट, मैं हूँ अंकित शर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए वीडियो में। और नए वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो पहले तो सब टीचर इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो आप मेहनत से उनको देखा भी करो। आप क्या करते हो, सिंपली आपको करना क्या है, बस एक टिक पे ओके करना है, एक क्लिक करना है लिंक पे, उसके बाद में आपके पास वीडियो आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के उसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। और डाउट होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा से डाउट कीजिए, अब टीचर दोबारा वीडियो बना देगा उस पर, अब वो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो आप ध्यान लगाकर पहले पढ़िए उनको, उसके बाद में असाइनमेंट अपने आप को सबमिट कीजिए, असाइनमेंट को सबमिट कीजिए और जो भी टीचर वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो कीजिए। तो देखिए 6.4 क्या है। थोड़ा सा मेरा आज तबीयत खराब, इसलिए आपको एक्टिव ज़्यादा रहना है, मैं एक्टिव चाहे कम रहूँ। देखिए क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि भाई 2304 एक नंबर है, इसको हमें करना है डिवीजन मेथड से सोल्व। एक परफेक्ट नंबर है, इसका रूट निकालना है हमें। एक्चुअल में 2304 का रूट निकालना है। पीछे वाले वीडियो में हमने क्या किया, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया था, हमने आराम से इसको सोल्व किया था। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो उसको। तो क्या करना है अपने को, 2304 का हमें डिवीजन मेथड से रूट निकालना है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है डिवीजन मेथड। क्या है देखिए डिवीजन मेथड, पहले आपको इसको अगर आंसर पता करना हो तो आंसर कैसे पता करते हैं, ये देखिए मैंने 1 से लेके 10 तक अपने वो लिख दिए हैं क्या स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे पता करते हैं भाई बताओ, पहले 2-2 के पेयर बना लेते हैं कि 23 और 04 है, तो 04 लास्ट में 4 और यहां 23 है। तो पहले तो हमें कंफर्म पता है जिसके लास्ट में 4 आता है, जिसके लास्ट में 4 आता है वो कौन कौन से डिजिट होती है, या तो 8 होगा या अपना आंसर 2 होगा। मतलब लास्ट वाला या तो डिजिट क्या होगा 8 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। पहले वाले डिजिट की बात करें 23 है, तो 23 किन किन के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है 23। तो या तो भाई 4 तो इसमें से क्या चूज करते हैं, ऊपर वाला नंबर 4 चूज करते हैं। तो 44 या 48 में से अपना आंसर होगा। अब देखें 48 और 44 में से कौन सा अपना आंसर होगा। तो कैसे पता करते हैं कि यहां पे जितने 23 ज्यादा किसके पास है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो 23 नीचे वाले के ज्यादा पास है, 25 के ज्यादा पास है, तो इसमें नीचे वाला नंबर ही लेना है, कितना 48। या फिर मैंने बताया भी था कि 45 का स्क्वायर जो 20-25 होता है वो क्या होता है, इससे कम होता है, इसका मतलब ये ज्यादा वाला नंबर होगा इसका, ठीक है। तो आपको बस सिंपली ये वाला नंबर यहां पे याद रखना है जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको, दोबारा से उसको ध्यान से देखिएगा पहला वीडियो क्या है, तब समझ में आएगा। तो हमने को आंसर तो पता है भाई 48 है, चलो ठीक है आंसर भी बतानी हो तो भी देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 2-2 के पेयर बनाते हैं, पहले सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, 2-2 के पेयर, राइट हैंड साइड से 2-2 के यहां पे पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है अपने को, अपने को सिंपली क्या करना है, जो यहां पे नंबर है इसको देखना है कि भाई किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा नंबर है। तो किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा नंबर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो ये तो इससे ज्यादा बड़ा आ जाता है, 16 ही लेना पड़ेगा अपने को। अपने को यहां पे इसके नीचे लेना पड़ेगा जस्ट कम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 16 है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है अपना, सॉरी 16 का रूट कि 4 का स्क्वायर 16 यहां पे लिख दिया जो इससे कम है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली अब अपने को इसको माइनस करना है कि 13 में से 6 गए अपने कितने बचते हैं 7, और 1 में से 1 गया 0, तो ये तो अपना ही आ गया। और यहां पे जो बोलता है पेयर हमेशा साथ में आता है, कभी भी पेयर ऐसे नहीं है कि अकेला 4 आ जाए अकेला 0 आ जाए, पेयर क्या होता है हमेशा साथ में आता है। क्यूब रूट की बात अलग है, वो 10th में आप पढ़ लोगे। तो क्या बनेगा कि 04 है जो बोलेंगे भाई 0 और 4 दोनों पेयर क्या आते हैं, साथ में आते हैं हमेशा, पेयर साथ में आएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, 4 का स्क्वायर 60 लेना जो इससे जस्ट कम होता है, ना तो 25 भी ले सकते थे यहाँ पे, यहाँ 5 लिख देते लेकिन 25 से ज्यादा हो जाता, अपने को इसके जस्ट कम नंबर लेना है। तो ये आ गया 074। अब क्या करते हैं, यहाँ जितना नंबर आपने लिखा है 4 लिखा है तो नीचे भी भाई 4 ही लिखो, यहाँ अगर 5 होता तो नीचे भी 5 लिखते, इनको करते हैं प्लस, तो 4 और 4 कितने बन जाते हैं अपने 8 बन जाते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए आराम से। अब यहां और यहां पे ऐसा नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करके इससे कम नंबर या इसके बराबर नंबर आ जाए। बराबर आता है तो सबसे बेस्ट है, बराबर तो लाना ही अपने को, इसके इक्वल लाना है। तो देखो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो मैं यहां पे सिंपली 0 रखूं पहले दोनों को, तो 80 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 1 लिख के ट्राई कर लो आप। बस नॉर्मली ये रखना है कि लास्ट में 4 किसके आता है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 4 आता है, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 8 जा कितने 64 64, और 6 कितने बन गए 70। आप बोलोगे सर क्यों, यहां पे उससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, 8 8 जा 64 होता है, उसके अलावा कौन सा मैं 4 होता है,
टू टू जा भी फोर होता है, आप टू भी रख के देख सकते हो, लेकिन टू से आंसर नहीं आएंगे, अपने करेक्ट आंसर किससे आएंगे, एट से आएंगे। तो यहाँ पे एट आ गया, यहाँ पे अपन ने लिया फोर, यहाँ पे अपन ने लिया एट, तो अपना आंसर कितना हो गया 48, जो अपन ने पहले ही निकाल दिया था शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आपको ये परफेक्ट, ये डिवीजन मेथड होता है, और यहाँ पर लास्ट में 000 बच गए, 000 बच जाएगा, मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, इसी में मैंने यहाँ पे कम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर ही लिखे हैं, सारे भी नहीं करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो आप वीडियो देख देख के बोर हो जाओगे। बस आपको इनमें से सीखना है कि अपन कैसे करें, जैसे सिंपली हम करें, अगर एक 900 का भी आपके 900 का कैसे करोगे आप, 2 का पेयर तो ये बना लोगे, 9 यहाँ पर 0 कर लोगे, बस बन गया अपने का। 9 का भी अगर पेयर बनाना हो तो 9 के आगे 0 लगा के इसको भी आप ही को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें से अब एक और क्वेश्चन उठा के देखें रैंडमली, तो अपन क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत पार्ट है, 10 या 11 पार्ट है, तो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें से आप देख के इन क्वेश्चनों को सोल्व कर दीजिएगा। देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3481 का रूट निकालना है। चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक निकाल देते हैं ताकि हमें ज्यादा आसानी रहे। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, लास्ट में वन आना, लास्ट में अगर क्वेश्चन डिजिट में लास्ट में वन है तो मैंने ये भी बताया, आप देख लीजिए उसमें, ठीक है, तो लास्ट में अगर वन आ रहा है तो वन देखो किस किस में आता है, लास्ट में वन, या तो वन में आता है वन, या नाइन में वन आता है। तो पहले वाले जो पेयर से तो क्या दो आंसर आएंगे, एक तो 9 और एक 1, दूसरे वाले डिजिट है 34, 34 किस किस के बीच में आती है, इन दोनों के बीच में आती है 34, ठीक है, तो 34 आती है तो ऊपर वाला 5 लेना है अपने को, सवाल ऊपर वाला 5 लेना है, ठीक है, तो या तो 51 आंसर होगा या 59 होगा। अब क्या करते हैं, यहां पे देखना कि जो 34 है वो ज्यादा 5 के पास है ज्यादा 6 के पास है, नीचे वाले के ज्यादा पास है ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो भाई नीचे वाले के ज्यादा पास है तो अपना यहां भी नंबर कौन सा लेना है, नीचे वाला नंबर की 59 इसका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे बताना है, देखिए 59 तो अपने को आंसर तो पता लग ही गया, अब देखिए बड़ा आसान होगा कि अपने को शुरू में तो 5 ही लेना है, 59 आंसर लाना है, तो वैसे भी 5 ही आना था, किससे जस्ट क्या लेना है, ऐसा स्क्वायर लेना है 25, अगर मैं यहाँ 6 लेता तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो इससे ज्यादा हो जाता, ज्यादा तो लेना ही नहीं अपने को, तो मैंने यहाँ पे लिया 34 ये माइनस करेंगे 14 में से 5 भी अपने 9 बच गए, 0 बच गया, यहाँ 81 का ऐसे का ऐसा, क्योंकि पेयर मैंने बोला था क्या आते हैं हमेशा एज इट इज आते हैं, जितना ऊपर लिखा है पेयर उतना ही क्या लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा। अब देखिए आप 5 में आपको 5 ही ऐड करना है, कितने बन जाते हैं अपने 10 बन जाते हैं। अब देखिएगा ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके इधर वाला नंबर आ जाए, तो कौन कौन सा नंबर लेना है, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, कौन सा नंबर लें, अपने को 59 आंसर पता है तो 9 ही ले लेंगे, तभी मैं शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ। देखिए 9 जा 81 का 81 आ गया, 9 जा 9 आ गया, ये देखिए इसके बराबर ही आ गया, तो क्या आ गया अपना, एक तो 9 आंसर हो गया, एक 5 आंसर हो गया, तो क्या आंसर हो गया, 59 इज अवर आंसर, डायरेक्ट अपने को आंसर पता लग गया कि इसका क्यूब सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 59। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं इसमें टाइम वेस्ट करना चाहता, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को या तो मेरे को डाउट में लिख के भेज दो या उसका स्क्रीनशॉट मेरे को क्रॉप करके भेज दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया है कि सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से मैंने बहुत बार बता दिया आपको बार बार, और शुरू वाला वीडियो जो आपको इसको शुरू में मिला है 6.1 से भी पहले, वो आप बार बार देखिए और उसको ढंग से समझिए कि मैंने उसको कैसे किया है। इज दैट क्लियर। अब देखिए आप ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड में नहीं बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें तो भाई डिवीजन मेथड से, इसमें ऐसे नहीं बोला कि भाई इनका क्या निकालना है, बोला सिर्फ रूट निकालना है, ठीक है, कोई मेथड नहीं बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ भी मेथड नहीं बोला, तो अपने को कैसे निकालना है, 256 अपने को पता है, 256 डायरेक्ट आपको पता है 256 किसका होता है, नहीं पता, वेरी गुड, कोई बात नहीं, 22 के पेयर बना लो, देखिए आप 22 के पेयर बना लिया अपन ने, अब क्या करेंगे, 6 किस किस किसके लास्ट में आता है, पॉइंट हमेशा देखना, स्क्वायर जब भी निकालते हैं पॉइंट के जस्ट बाद में 2 डिजिट होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना 2 या 4 होने चाहिए, तो भाई निकाल सकते हैं इनका तो आराम से। इसमें और भी क्वेश्चन है वो आपको ही करने हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही 2.56 का बताया, तो 2 का पेयर, इसमें भी 2 का पेयर, लास्ट में 6 किस किस के आता है, तो लास्ट में 6 या तो 6 के आता है या 4 के आता है, तो अपने आंसर या तो पहले वाली से तो क्या बन गए 4 और अपना क्या बन गया 6, समझ गए कैसे, कि 4 के लास्ट में भी 6 आता है और 6 के लास्ट में भी 6 आता है। दूसरी बात, 2 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो अपने को पहले सिंपली ऊपर वाला नंबर लेना है, या तो 14 या 16। अब देखिए 2 किसके ज्यादा पास में, तो दोनों के यहां पे तो फेल, देखिए अब किसके ज्यादा पास में 2, 1 2
या 1-4, तो किसके ज्यादा पास में दिख रहा है आपको? ऊपर वाले के पास में, तो क्या बन गया 14। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, देखिए 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है अपना 1 × 2, 5 × 5, तो बन गया 225। तो 225 से नंबर बड़ा है, इसका मतलब 225 से बड़ा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 16 हो गया। वैसे यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जा रही है कि यहाँ पे 2 आते ही क्या हो रहा है, 2 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है। एक 36 में भी ये फेल हो जाती है, ध्यान रखिएगा, बाकियों में ये फेल नहीं होती है, ठीक है? अगर ये फेल हो जाए तो अपने का बेस्ट ट्रिक क्या है कि कोई भी बीच वाला नंबर उठा लो जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो अपने 15 आ रहा है, जैसे ही 15 आ रहा है अपने को क्या कर देना है, 15 का स्क्वायर कैसे निकलता है, पहला नंबर ऐसे कैसे ले लो, इससे एक जस्ट बड़ा नंबर ले लो और 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है? हर में वैसा ही होगा, जैसे 35 का निकालोगे 3 का निकाल दो, 3 × 4 कर दो और 5 का स्क्वायर 25 कर दो, तो 1225। इनका निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या था, तो इसमें आंसर कितना हो गया, 16 नहीं हुआ है, 1.6 हो गया, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं 5.84 की, 5.84 देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे 5.84 को करेंगे हम इसको सोल्व, तो यहाँ पे 2-2 के हमने पेयर बना लिए, सो हेयर लास्ट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 किस किस में आता है, या तो 8 में आता है या फिर अपना किस में आता है, 2 में आता है, तो क्या हो गया अपना फर्स्ट किस से आंसर, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब 51 किस किस के मिडिल में आता है, 51 देखा इन दोनों के मिडिल में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो ऊपर वाला सिंपली 7 ले लेना है पहले, 7 जैसे लेंगे तो अपने आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा। अब देखेंगे कि भाई 51 किसके ज्यादा पास में, तो 51 7 के ज्यादा पास में, ऊपर वाले के ज्यादा पास में, तो ऊपर वाला ही अपना आंसर हो गया 72, या फिर आप 75 का निकाल के भी देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप कैसे इनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला, और क्वेश्चन बोला गया है कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट, सॉरी फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट ऑफ 10। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यहां जो नंबर है, ठीक है, यहां जो नंबर है उसका क्या करना है अपने आपको, पहले डिविजन मेथड लगाना है, कभी भी बोला कितना माइनस करें इससे, अगर मल्टीप्लाई होता कि सबसे छोटा नंबर किससे मल्टीप्लाई करें, तब तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, जैसे एज इट इज आपने पिछले वाले वीडियो में लगाया था। डिवाइड की बात हो तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, लेकिन जब भी प्लस या माइनस की बात आती है तो अपन क्या करते हैं, डिवीजन मेथड लगाते हैं। तो 402 में डिवीजन मेथड लगाएंगे, देखिए कैसे, कि माइनस क्या करना है भाई, माइनस या प्लस करना हो तो डिवीजन मेथड, देखिए कैसे करेंगे। 04 और 02 लगा दिया। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 4 यहां पे लिख दिया, इसके बराबर भी ले आ सकते हैं, तो ये बन गया 0। यहां पे पूरा पेयर 02 का 02 आ गया, यहां क्या आ गया अपना 2 आ गया। अब देखिए ऊपर और नीचे ऐसा नंबर लेना है जिससे क्या हो जाए, ये नंबर इससे छोटा है या इसके बराबर आए, तो यहां पे अगर मैं 0 लूं तब तो 00 बन जाएगा, अगर 1 लेता मैं 1 तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाता, तो इससे बड़ा हो जाता। यहां पे अगर सिंपली मैं 1 लेता तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर 21 आ जाता, तो ये तो ज्यादा बड़ा हो जाता, तो अपने को क्या करना, 0 ले लेना ताकि 00 बन जाए, और 2 को 0 से 2 बच गया। अब देखिए कभी भी माइनस करना हो तो जितने रिमाइंडर बचते हैं ना, अपने रिमाइंडर बच रहे हैं उसको इसमें से माइनस कर दो, कि कभी भी माइनस करना हो तो जितने अपने रिमाइंडर आ रहे हैं, कि 2 अपना रिमाइंडर आ गया, तो आपको क्या करना है, 402 में से 2 निकाल देना, कितने बचते हैं, 400 बचते हैं, और 400 का रूट कितना होता है अपना, 20 होता है, तो डायरेक्ट यहां पे क्या बन गया अपना, 20 आंसर बन गया। ऐसे अगर अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करें अपन, सेम है, सब्ट्रैक्शन में बड़ा आसान होता है, प्लस का भी हम करेंगे, रोल क्या है प्लस का, देखिए 1989 था, ले लेंगे 2-2 के पेयर, सबसे पहले 19 था, तो 19 किसके स्क्वायर के जस्ट पास में है, 4 के स्क्वायर के जस्ट पास में है, 16, ठीक है, 19 में से 16 गए तो अपने कितने बचते हैं, 3 बच गए। नेक्स्ट नंबर ऐसे कैसे ले लो एज इट इज, 4 में 4 प्लस कर दो कितना बचता है, 8 बचता है। अब देखिए अप साइड और डाउन साइड ऐसा नंबर लेना है जो इससे छोटा है या इसके इक्वल अभी आ जाए चलेगा अपना, तो कौन सा नंबर है, देखिए जैसे 8 × 32, 8 × 5 = 40, 4 बार ले लेते हैं, देखिए 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 8 × 4 = 32, 32 × 1 = 33। अगर मैं 5 लेता तो 5 यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाता, आप करके देख लीजिएगा, चाहे इसके जस्ट पास में आ गया, तो 3 और 8 में से गए 5,
53 बच गए अपने को। अब क्या करना है, इस 53 को माइनस करना है कि ये रिमेनिंग नंबर सबसे छोटा नंबर यही है जो इससे माइनस करने में परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। 53 से माइनस कर दो, 9 में से 3 गए 5 बच गए, 8 में से गए 3 बच गए 9 और 1, तो ये 19 1935 ऐसा नंबर है जो क्या है इसके पास में, सॉरी 6। अब इसका अगर स्क्वायर हमें को क्या निकालना है अपने को, अगर इसमें से क्या निकालना हो अपने को, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, लास्ट में 6 किस किस से नंबर में आता है वो लिख लीजिए आप, और इसको 19 के पास में जस्ट इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर ये रूट जो है आपको खुद को निकालना है इसका, कितना इसका रूट होगा, 44 होता है या जो भी होता है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस की बात थी, माइनस करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, तो माइनस में क्या करते हैं, रिमाइंडर जो आता है हम उसी को इसमें से माइनस कर देते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आज आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है, हर चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हूं। देखिए 545 की बात कर लेते हैं, 525 की, कि कौन सा नंबर इसमें से अपने को क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो प्लस के लिए भी आपको बताया जाएगा, देखिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में, तो ये किसके स्क्वायर के पास में, 2 के जस्ट स्क्वायर के पास में, तो 2 का स्क्वायर अपना 4 होता है। 5 में से अगर 4 माइनस हुआ अपना 1 बच गया, और 25 ऐसे कैसे लिख दो यहाँ पे, 2 में 2 को प्लस कर दो कितना बनता है 4, ठीक है। अब ऊपर और नीचे ऐसा नंबर लेना है जो सजेस्ट क्या है, छोटा है, तो देख लीजिए कौन सा नंबर ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कितना नंबर लिख दो, चलिए बताइए आप, चलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, सॉरी 4 4 16 4 3 3 3 9 4 3 12, ये भी ज़्यादा आ गए, 2 लेके देख देते हैं अपन कितना होता है, 4 2 8 और 4 4 2 फिर से 8 मान लीजिए 88। 25 में से 88 गए कितने बचते अपने, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 37 बच गए। अगर हमें सिंपली माइनस पूछा जाता तो हम क्या करते, इसमें से इसको क्या कर देते, माइनस कर देते, तो अपना आंसर आ जाता। लेकिन अपने को इस बार क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि इसमें कितना ऐड और कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो पहले तो इसका एक बार देखते हैं कि अपना आंसर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है वैसे करके, तो 22, तो इसका आंसर 23 हो सकता है क्या, एक बार 23 का अपन स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए आप 23 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 लगा दो, 2 3 6, 6 2 12, 9 2 5 5 2 9 आंसर आता है, ठीक है 23 का स्क्वायर। तो बताइए इसको कितने और चाहिए कि 23 बन जाए, तो कितने और चाहिए हमें, 4 और इसमें एक्स्ट्रा चाहिए कि जैसे 4 इसमें ऐड कर देंगे कितने बन जाएंगे, 529 बन जाएंगे, और 529 किसका रूट होता है, 23 का रूट होता है। किसमें एक्स्ट्रा और कितने चाहिए जिससे क्या बन जाए, अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। या फिर आप ऐसा नहीं चाहो तो आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो यहाँ पे, कैसे, कि इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या आता है, यहाँ पे इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या आता है, तो यहाँ पे 3 ले लो, 3 3 9, 4 3 12। अब देखिए ये 125 है, ये 129 है, तो यहाँ पे कितना होता कि नीचे 000 आंसर बचता, कि यहाँ पे हमारे पास कितना होना चाहिए था कि इन पूरी 125 की जगह कितना होता कि नीचे 00 बच जाता, तो 125 की जगह कितना होना चाहिए था, 129 होना चाहिए। तो हमें कितने की नीड है यहाँ पे, यहाँ भी हमें 4 की नीड है, तो इसका मतलब यहाँ 4 से ही प्लस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए बड़ा आसान है, छोटा नंबर लो, नीचे जो नंबर आ गया उसको माइनस करके अपन रूट निकाल सकते हैं। प्लस के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आप क्या करो, डिवाइड करते जाओ और इससे जस्ट छोटा नंबर ले लिया 22, और यहाँ पे लिखा था हमने 88 और माइनस करके आंसर निकाल दिया था, तो अपना आंसर आया 2 और 2 22, तो 22 से जस्ट बड़ा नंबर ले लो, 23 का स्क्वायर निकाल दो, क्या होता है 529 होता है। जैसे ही 529 को देखा कितना और चाहिए था हमें, 4 और चाहिए था, तो 4 हमने बता दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर तो 4 है, जिसको प्लस करेंगे तो आएगा, और क्या है अपना आंसर भी 23 अगर इसका रूट करें तो। मान लीजिए आपको समझ में नहीं है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, 252 करते हैं, देखिए क्या है 252। ले लेंगे 2 पेयर, अब यहां पे क्या करना है, ये 1 का होता है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 52 का ऐसे गया, और 1 में 1 प्लस कर दिया कितना बच गया अपना 2, जो सिंपली हमें पता है। अब ऊपर और नीचे ऐसा नंबर लेना है, पहले एक बार अपने तरीके से करते हैं जो मैंने बताया, फिर शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे कि ऊपर और नीचे ऐसा नंबर क्या लें जिससे 152 से जस्ट छोटा नंबर आए। तो देख लीजिए कौन सा नंबर, अगर 7 रख के देखते हैं अपन, 7 से नहीं आएगा, अपन रखते हैं 6, एक बार 6 6 36 3 6 12 12 और 3 कितने बन गए अपने
15, ये तो ज़्यादा बड़ा आ गया 6 से, तो 5 रखते हैं। देखिए 5 रख के देख लेते हो तो कितने बन जाएगा 125, तो कितने बच गए 12 में से गए 7, और कितने बच गए 4 में से 2 गए 27। अब अपना आंसर कितना आया 15 आया यहाँ पे, तो 15 ही, 15 से जस्ट बड़ा नंबर 16 लेना है, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 और 6 को डबल कर दो कितना बनता है 12 बन गया, तो 6 5 2 256 आएंगे। तो कितने इसमें भी कितने ज़्यादा चाहिए हमें, 4 ही ज़्यादा चाहिए, तो बस 4 से प्लस करना है। या मान लीजिए आपको नहीं पता, और ये 16 का स्क्वायर है भाई, मान लीजिए आपको नहीं पता इससे नहीं करना, तो आपको जस्ट इससे बड़ा नंबर लेना, और बड़ा नंबर किससे आया था 6 से, जस्ट बड़ा कितना आया था 36, 3 और 156 आए थे। तो अभी भी कितने की नीड चाहिए हमें इसको, इसको जीरो करने के लिए अपने को कितना चाहिए 152 के 152 में 4 एक्स्ट्रा चाहिए, तो बस ये 4 यहाँ से भी आंसर आ गया। तो आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सोल्व करते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच एरिया इज 441, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया कितना है 441 है, ये लीजिए मीटर स्क्वायर, एरिया दिया है स्क्वायर का, तो इसकी साइड पूछिए, तो अपने को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे साइड का स्क्वायर किया, साइड में उधर क्या भेज दिया, रूट में भेज दिया, जैसे 441 का रूट किया कितना होता अपना 21, आंसर आ गया कि 21 मीटर की क्या है, स्क्वायर की साइड है, जिससे रूट निकाल दिया कितना बन गया, जिसका आपने क्या किया था 21 का स्क्वायर किया तब भी इसका एरिया क्या आया 441 आया। तो ये अपना क्वेश्चन था सिंपल सा। अब देखिए 8th और 9th क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में मैं आपको 7th क्वेश्चन बताता हूं। 8th और 9th क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है, 8th क्वेश्चन क्या है, बोला एक गार्डन था जिसके अंदर 1000 प्लांट्स लगाने थे, तो ही वॉन्ट टू प्लांट दीज इन सच ए वे द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर कॉलम और वो सेम होती हैं तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है स्क्वायर रूट, तो मिनिमम कितने और हमें चाहिए, अगर 1000 हमारे पास हैं तो 1000 पौधे हमारे पास हैं तो कितने पौधे और चाहिए। तो अपने तो पिछली बार क्या कर रहे थे, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे थे इस बार क्या, या फिर उसको क्या कर रहे थे रूट निकाल देते डायरेक्टली। इस बार बोला कितने पौधे और चाहिए हमें, तो अपने को क्या करना है आपकी बार, इसका डिवाइड मेथड से इसको पहले सोल्व करना है। देखिए ये होता है 3 के स्क्वायर के पास में 9100, ऐसे कैसे 3 में 3 6 बन गए। अब क्या करना है, ऊपर और नीचे ऐसा नंबर लेना है जो इससे क्या हो जस्ट बड़ा नंबर, तो देखिए इससे जस्ट छोटा भी नंबर ले लो तो भी वैसा ही, लेकिन मैं जस्ट बड़ा नंबर ले रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, तो 2 ले लूँ तो कितना बनता है 2 2 4 6 2 12, तो 100 को कितना 124 होने के लिए कितनी जरूरी पड़ रही है 24 की जरूरी पड़ रही है, मतलब अपने को 24 ही पौधे और चाहिए जिससे क्या बन जाएंगे 1024 बन जाएंगे, और 1024 का मतलब कितने बन जाएंगे 32 बन जाएंगे। यहाँ वाले आप 32 डायरेक्ट ही ले लो क्योंकि अपने जस्ट बड़ा नंबर लिया है, 32 तो अपने रो और कॉलम बनेंगे उसके अंदर 32 32, और क्या है हमें 24 जो प्लांट हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। आप हमेशा ऐसा ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9th क्वेश्चन की, तो देखिए 9th क्वेश्चन का क्या था, देयर आर 500 चिल्ड्रन, ठीक है, पीटी के लिए के उनकी रो और कॉलम एक जैसे बनाई, हाउ मनी चिल्ड्रन वुड लेफ्ट अरेंजमेंट, कि भाई 500 बच्चे थे पीटी के लिए, जितने रो में खड़े होने हैं उतने कॉलम में खड़े होने हैं, ऐसा बोला जितने उनके रो बनेंगे उतने उनके कॉलम बनेंगे, तो कितने बच्चे रह जाएंगे उनको निकालना है। इस बार तो कितने बच्चे चाहिए होंगे तब तो हम प्लस करना होता, कितने बच्चे रह जाएंगे वो निकालना है, रहने के लिए माइनस करना है अपने को, तो बस सिंपल सी ट्रिक थी क्या, 2 के स्क्वायर के ज्यादा पास में 4 कर दो 1 आ गया 00, 2 में 2 प्लस कर दो 4, ऐसा नंबर लेना है जो इससे जस्ट छोटा हो। अब की बार हमें प्लस थोड़ी करना है, हमें तो माइनस करना है, तो कौन सा नंबर है यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं 2 2, तो 88 बनता है, कितने बन गए 2 बन गए यहाँ पे, और ये 9 बन गए, 9 में से गए 12, अपने आगे 12 कि 12 बच्चों को उनको हटाना पड़ेगा, तब क्या होंगे अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, और जैसे 500 में से 12 माइनस कर दो आप कितने बचते हैं 8 8, और यहां से क्या बचेगा 4, ठीक है, तो 4 8 8 बनेगा, और इसका अपन क्या कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, 4 8 8 ही बचेगा ना, यहां पे देख लेना 1 बच गया यहां पे 100, 42 था 22, ठीक है 9 से 1 गया 8, 484, यहां पे मेरे को मिस्टेक कैसे लग रही है इसमें, देखिएगा आप इसको दोबारा से समझिएगा और दोबारा कीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए आप,
क्या क्वेश्चन था? सेवंथ क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल था बी एंगल बोला 90 डिग्री है और एक एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि ए बी अपना है 6 सेंटीमीटर, बी सी अपना है 8 सेंटीमीटर, ए सी आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन था ए सी है 13 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए बी अपने को निकालना है। देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं दोनों में एक बार, बी पे 90 डिग्री का एंगल रखना है, बाकी सी और ए को कहीं भी लिख दो, बी पे 90 रखना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि बी पे 90 है। ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, ए सी हमें निकालना है। बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए सी अपना 13 सेंटीमीटर, ए बी अपने को निकालना है। बस बड़ा आसान है, अपने को पता है जब भी 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो एसी होता है ना, एसी का स्क्वायर, वो बीसी के स्क्वायर और एबी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने बताया था ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बीसी कितना है अपना, बीसी 8 का स्क्वायर, एसी अपना 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो कितना होता है अपना 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, कितने बन गए दोनों मिलके 100, और 100 का इधर से स्क्वायर हटा के रूट लगा दो 10 बन गया, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ऐसे इसको सोल्व करें तो अपने को पता है एसी का जो स्क्वायर है वो बीसी के स्क्वायर और एसी के स्क्वायर के इक्वल है, एसी का स्क्वायर अपना है 13 का स्क्वायर, बीसी अपना है 5 सेंटीमीटर और एसी का स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 25 इधर आ गया तो माइनस का बन गया, एसी का स्क्वायर निकालना, ये होते हैं 144 माइनस करते ही, और एसी का स्क्वायर तो स्क्वायर इधर रूट में भेज दो, 144 का होता है 12, तो एसी कितना आ गया अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन दोबारा से आप देखना, उसमें क्या मिस्टेक हुई है क्या नहीं हुई है वो आप ही को बतानी है, ठीक है, कि वीडियो अब दोबारा एडिट करने पे मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को उतना ही छोड़ दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आशा करता हूँ आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं घर पर, गुड बाय।